क्या आप जानते हैं कि जो ऑफिस की जो टेबल होती है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है जहाँ पे बैठ के हम काम करते हैं। यहाँ तक कि अगर आपका होम ऑफिस है या बच्चे जिस टेबल पे पढ़ाई करते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वैसा ही इम्पैक्ट हमारे माइंड पे पड़ता है, वैसा ही इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे भी पड़ता है। जिस तरह से आप टेबल रखते हैं, जिस तरीके का आप सामान रखते हैं, उसी तरीके का इफ़ेक्ट आप अपने जीवन में देख पाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ एकदम ऑर्गेनाइज्ड रहे, ठीक ठाक रहे, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले, तो किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, क्या चीज़ें किस डायरेक्शन में रखनी चाहिए, आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ। भले आपको यहाँ पे वास्तु के हिसाब से डायरेक्शन नहीं पता होंगे तो भी आप इसको कर सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी डायरेक्शंस। केवल आपको यहाँ पे अपना लेफ्ट और राइट यहाँ पे समझना होगा, जो भी आपका लेफ्ट साइड है और जो आपका राइट साइड है, जब आप टेबल को फेसिंग बैठते हो उसके हिसाब से आज मैं आपको यहाँ पे अरेंजमेंट बताने वाली हूँ। अगर इस तरीके से आप अरेंजमेंट अपने ऑफिस टेबल का या आपके होम टेबल का या अपने बच्चों के टेबल का करते हैं तो उससे आप परिवर्तन ज़रूर से देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं चेयर की। चेयर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिस पे बैठ के हम अपना काम करते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जिस भी चेयर पे आप बैठते हैं ना, उसमें हमेशा बैक सपोर्ट अच्छे से होना चाहिए। कई बार देखिए उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, प्लास्टिक की चेयर या कोई भी चेयर हो गई, तो अगर इस तरह की चेयर है तो हमेशा कुशन पीछे होना ही चाहिए। मैं तो कहूँगी अगर नॉर्मल चेयर भी है तो एक कुशनिंग आप ज़रूर से दे दें। अगर थोड़ा सा भी वहाँ पे कर्व आ रहा है तो कुशन से क्या होगा, आपको एक बैक सपोर्ट मिलेगा। अब मैं जो यहाँ पे कई बार जो कुशन का इस्तेमाल करती हूँ उस पर मैंने गोल्ड कलर का कवर चढ़ाया हुआ है। देखिए इस तरीके से मैंने ये गोल्ड कवर इस पर चढ़ाया हुआ है। तो आप अपने चॉइस के हिसाब से जो भी आपको सिंबल्स अच्छे लगते हैं, जो वर्ड्स आपको अच्छे लगते हैं या बच्चे को जो इंस्पायर करें, इस तो बहुत ही ज़्यादा जो पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं या जो अच्छे कलर्स होते हैं उस तरीके का आप इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे गोल्ड कलर का क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो गोल्ड कलर होता है वो होता है जुपिटर का, यानी कि गुरु का। तो जैसे अब मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो एक तरह से कहीं ना कहीं मैं इससे कनेक्टेड रहती हूँ, यानी कि गुरु का ही एक तरह से काम हो गया, टीचिंग का काम हो गया, ठीक है, तो वो उसी से रिलेट करता है। तो गोल्ड ऑल्सो सिंबलाइजेस मनी, ओके, टू अट्रैक्ट वेल्थ इन योर लाइफ, तो ये उसके लिए भी सिंबलाइज होता है। तो अगर आप इस तरह का कोई भी गोल्ड कलर का या कोई भी सिंबल्स का आप अगर कुशन कवर इस्तेमाल करते हैं, या बच्चों के लिए आप स्टडी के लिए कोई अच्छे सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, या बच्चों के लिए ग्रीन कुशन कवर का भी आप इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे बैक सपोर्ट की। जिस भी चेयर पे जहाँ पे भी आप बैठ रहे हैं वहाँ पे बैक्स में हमेशा सॉलिड वॉल होनी चाहिए। अगर सॉलिड वॉल नहीं है, वहाँ पे विंडो है, तो ऐसे में आपको इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ सकती है। अगर वहाँ पे डोर है, आपकी पीठ दरवाजे की तरफ हो रही है, तो बैक स्टैबिंग होने के चांसेस है, ऑफिस पॉलिटिक्स के आप शिकार हो सकते हैं। हो सकता है कि लोग आपके पीठ पीछे आपकी निंदा करें या आपको गिराने की बहुत ज़्यादा जीवन में कोशिश करें, और मान सम्मान में भी बहुत ज़्यादा फर्क आ सकता है। तो पॉसिबल हो तो डायरेक्शन तो सबसे पहले आप चेंज कर लीजिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी आपको लग रहा है कि लास्ट ऑप्शन है, तो फिर आप क्या करेंगे, विंडोज़ पे आप क्या कर सकते हैं, या तो हैवी कर्टन्स लगा सकते हैं, नहीं तो देखिए ऑफिस में अलग तरह के कर्टन्स लगते हैं, जो पुल वाले जो कर्टन्स होते हैं, रशियन वाले जो फ्लैप्स वाले कर्टन्स होते हैं या पुल वाले होते हैं, उस तरीके के आप वहाँ पे कर्टन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डोर है तो कोशिश करें एटलीस्ट चेयर थोड़ी सी वहाँ से हटा दें, अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो प्लांट अगर वहाँ पर कोई रख सकते हैं तो वहाँ पर प्लांट आप रख लीजिए, और कोई भी एक क्रिस्टल बॉल लेके आप वहाँ पर दरवाजे की तरफ टांग दीजिएगा। जब भी आप चेयर पे बैठते हैं तो इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो आपके पीछे सॉलिड वॉल है उस पर कोई ना कोई फ्रेम ज़रूर से होना चाहिए। जैसे कि आप वहाँ पे माउंटेंस की पिक्चर्स लगा सकते हैं, हार्ड रॉक जो माउंटेंस होते हैं उसकी पिक्चर आप लगा दें, या कछुए की यानी कि टॉर्टोइस की फ़ोटो आप लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ जो हाई राइज यानी कि ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स होती उसकी फ़ोटोग्राफ आप लगा सकते हैं, या जैसे आप मेरे पीछे यहाँ पे देख रहे हैं मैंने एक गोल्ड ट्री की पिक्चर लगाई है, ठीक है, कोई भी इस तरीके की पिक्चर आपको पीछे लगाना है, लेकिन ऐसी कोई पिक्चर आपको नहीं लगानी जिसमें
पानी तत्व है, जैसे कि कोई माउंटेन जिस पे कि बहुत ज़्यादा आइस है, स्नो है, या पाउंड है, लेक है, समुद्र है, इस तरह का पानी तत्व नहीं होना चाहिए। अगर पानी तत्व आपके पीछे आ गया तो कहीं ना कहीं वो भी आपको इनसिक्योरिटी की फीलिंग देगा, और साथ ही साथ ये भी पॉसिबिलिटी की लॉस होने के चांसेस है। तो जब इस तरह के पिक्चर्स आप लगाते हैं तो वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस देते हैं और आपको जीवन में ग्रोथ भी देते हैं। अब मैंने जो यहाँ पे गोल ट्री लगाया है ये सिंबलाइज करता है ग्रोथ को भी, ठीक है। अगर इसकी पूरी जानकारी देखना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे गोल ट्री बाय इंदुजी के रेमेडीज, उस पर पूरा मैंने डिटेल एक वीडियो भी बनाया है। अपने जीवन में भी अवार्ड्स वगैरह जो भी पाए हैं आप उनको अपने पीछे लगा सकते हैं या सामने वाली वॉल पे भी लगा सकते हैं। अब मैंने अपने पीछे क्यों लगाया है, क्योंकि जब भी मैं शूट करती हूँ तो मुझे वो कैमरा से हमेशा यहाँ पे भी वो दिखाई देते हैं, और जैसे ही मैं जब ऑफिस में एंटर करती हूँ तो सबसे पहली नज़र मेरी यहाँ पे ही जाते हैं। तो उससे भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए और प्रयास करते हैं और ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे टेबल की। तो सबसे पहले जब टेबल की यहाँ पे बारी आती है तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान देना है कि टेबल आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। अगर सामान बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, इधर उधर है, तो जैसे ही आप आएंगे और बिखरा हुआ सामान देखेंगे या आप बैठ के जब उस पर काम करेंगे तो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा क्लटर होने लग जाएगा। इन द सेंस आप डिसीजन लाइफ में नहीं ले पाएंगे, आपको कन्फ्यूजन होगा, अक्सर आपके डिसीजन जो है वो गलत रहेंगे, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपके अंदर गुस्सा आएगा या आपका मन ही नहीं लगेगा काम करने का, लेजीनेस की आपको फीलिंग आ सकती है। तो इसलिए हमेशा अपने टेबल को ऑर्गेनाइज रखें। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान देना है, जो आपके टेबल का लेफ़्ट साइड है, यानी कि अब मैं ये टेबल की तरफ फेसिंग पे सपोज़ खड़ी हूँ तो मेरा जो लेफ़्ट साइड है तो उसी तरीके से आपको देखना, चाहे फिर वो कोई भी डायरेक्शन हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर कोई भी एक सुंदर सा इनडोर प्लांट आप रख दें, चाहे तो आप आर्टिफिशियल रख सकते हैं, लेकिन अगर आप रियल प्लांट रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो ग्रोथ को सिम्बलाइज करता है। अगर आप आर्टिफिशियल रखते हैं तो फिर आपको हर हफ्ते 10 दिन में उसको साफ़ करते रहना पड़ेगा, ठीक है। या तो उसको पानी से आप धुलवा दें या उस पर कोई स्प्रे करते रहे ताकि एनर्जी बरकरार रहे, और उसमें एक दो कपूर के पीस भी आप ज़रूर से प्लांट के अंदर डाल दें अगर आर्टिफिशियल प्लांट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो। जैसे अब मैं यहाँ पे अपने ऑफिस के टेबल पे हमेशा बैम्बू प्लांट रखती हूँ, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मैंने अपने लेफ़्ट साइड पे रखा है, ठीक है। और लेफ़्ट साइड पे रखने से एक और चीज़ होती है कि आपका जो राइट साइड का ब्रेन है वो और अच्छे से आपका एक्टिवेट हो जाता है अगर आप लेफ़्ट साइड पे रखते हैं। और लेफ़्ट हैंड से अब जब आप काम करते हैं तो इससे आपके दोनों ब्रेन्स जो हैं, दोनों साइड, लेफ़्ट और राइट, वो अच्छे से बैलेंस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि राइट साइड से तो अक्सर हम काम करते हैं लेकिन लेफ़्ट हैंड का हम इतना इस्तेमाल नहीं कर पाते। सेकेंड चीज़, जो भी आपकी किताबें, अब जैसे मेरी जो भी किताबें, मैं बहुत सारी पढ़ाई करती हूँ या मैं जो भी अपॉइंटमेंट्स मेरी फ़िक्स होती है वो सारी किताबें यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ही रखी है, तो मैं लेफ़्ट साइड से ही उठाती हूँ और बाद में उसको अपने टेबल पे रखती हूँ। लैपटॉप के मैंने अपने सामने रखा हुआ है, एक्स्ट्रा मेरा जो टैब है वो भी मैंने यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे रखा हुआ है। उसके अलावा जैसे कैलकुलेटर हो गया, मेरे स्पेक्स हो गए, ठीक है, इस तरह की इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेबल पे, वो सब मैंने लेफ़्ट साइड पे एक अच्छे से ऑर्गेनाइज करके उसको एक बॉक्स में रखा है। और उसी के पास में मैंने एक रखी है छोटी सी क्लॉक, ठीक है, टेबल क्लॉक, भले सामने घड़ी हो लेकिन एक टेबल क्लॉक भी अगर आप रखते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, यहाँ पे अब एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि अगर आप ऑफलाइन काम करते हैं, यानी कि क्लाइंट्स अगर आपको ज़्यादा मिलने के लिए आते हैं, आपका फ़ेस टू फेस ज़्यादा काम है, तो नॉर्मल जो न्यूमरिक वाली जो क्लॉक होती है ना वो आप रखेंगे, लेकिन न्यूमरिक कौन से, रोमन लेटर्स में, रोमन लेटर्स में आप रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको फॉरेन से भी बिज़नेस आए या बाहर के भी लोग आपके आएँ तो फिर आप रोमन वाली रखेंगे, लेकिन अगर आपका ऐसा काम है जहाँ पे, जिस कंट्री में आप रहते हैं तो उसी कंट्री के आपके पास ज़्यादा लोग आते हैं, मेजॉरिटी वही पब्लिक आपके पास है, तो फिर आपको न्यूमरिक वाली जो नॉर्मल जो घड़ी होती है वो आप वहाँ पर रखेंगे। तो अब जैसा मेरा पूरा ऑनलाइन काम है तो मैंने एक यहाँ पर छोटी सी इस तरीके की मैंने ये डिजिटल घड़ी यहाँ पे रखी हुई है, और इस डिजिटल घड़ी को मैंने 24 आवर्स टाइम पे सेट करके रखा है। उसको 12 आवर पे सेट नहीं करना है, उसको 24 आवर पे सेट करके रखना है। आपकी जो भी विजिटिंग कार्ड्स हैं या लेटर हेड्स हैं, लेटर पैड्स हैं, आप उसको चाहिए तो लेफ़्ट साइड के ड्रॉर में रख सकते हैं या टेबल पे रख सकते हैं। यही चीज़ें आप लेफ़्ट साइड पे अपने शेल्फ पे भी रख सकते हैं, अपने ड्रॉर पे भी रख सकते हैं, ठीक है। अब
जो हमारा राइट साइड होता है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिलेशनशिप के लिए। अब वो रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो सकता है, आपके बॉस के साथ हो सकता है, आपके कलीग्स के साथ हो सकता है, आपके क्लाइंट्स के साथ हो सकता है। अब जो राइट साइड होता है वहाँ पे जैसे मेरे पूरे क्लाइंट्स का वहाँ पे डेटा रहता है, ठीक है, तो उस तरीके से आप वहाँ पे रख सकते हैं। या आप चाहें तो बॉस की पिक्चर को वहाँ पे, अगर आप खुला नहीं रख सकते तो हिडन वहाँ पे कहीं ड्रॉअर में आप राइट साइड पे आप रख सकते हैं अपने और अपने बॉस की, या जो आपके कलीग्स आपके साथ में काम करते, कोई भी एक पिक्चर तो आपके पास होगी ना, उस पिक्चर को लेके वहाँ पे आप ड्रॉअर में रख सकते हैं, उसको फ्रेम करा के आप सामने रख सकते हैं। आपको जो अवार्ड्स मिले हैं तो उसकी पिक्चर या उसको आप वहाँ पे रख सकते हैं। आप टेबल पे देखिए हर एक चीज़ पॉसिबल नहीं होती, तो देखिए यहाँ पे मैंने पीछे लगा दिया, मैंने दोनों साइड पे लगाया, तो वो आपके ऊपर है आप कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस तरीके से आप भी अगर टेबल पे नहीं इस्तेमाल करना चाहें तो आप उसको अपने राइट साइड पे भी पीछे की तरफ उसको लगा सकते हैं। राइट साइड पे आप एक और चीज़ कर सकते हैं, वहाँ पे या तो आप एक लैंप रख सकते हैं जो येलो बल्ब का हो, वो भी बहुत ज़्यादा सुपर्ब रहता है। सपोज मान लो कि आपका होम ऑफिस है तो वहाँ पे एक सुंदर सा येलो बल्ब का आप लैंप रख दें, या तो अगर आपके पास जगह नहीं है तो जो सॉकेट वाले जो बल्ब आते हैं ना वो आप लगा दें। यहाँ पे मैंने सॉकेट में एक बल्ब लगा के रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले लैंप रखा हुआ था पर मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी तो मैंने उसको सॉकेट में लगा दिया, तो इस तरीके से मैं वो चेंज करती रहती हूँ। अब राइट साइड पे आप दो कैंडल्स भी रख सकते हैं, इनकेस लैंप नहीं रख सकते, आप लाइट नहीं जला सकते, तो केवल दो कैंडल्स आप वहाँ पे रख लें, और कभी कभी आप जला सकते हैं तो दो टी लाइट कैंडल्स भी आप लेके वहाँ पे जला सकते हैं, नहीं तो आपकी जो टेबल का राइट साइड है वहीं पे आप दो कैंडल्स कभी कभी जला दें। एक और चीज़ आप कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को और अच्छा करने के लिए, जो आपकी राइट साइड की टेबल है हल्का सा वहाँ पे ना आप ऐसे परफ्यूम हवा में छिड़क दें या स्प्रे कर दें, या थोड़ा सा क्या करें हाथ में इत्र लें और अपने टेबल के नीचे ऐसे लगा दें राइट साइड पे, डेली के डेली थोड़ी इत्र अपने हाथ में ले, टेबल के नीचे लगा दें, बस सिंपल, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। नहीं तो आप जो रूम स्प्रे यूज़ करते हैं उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और अब आपकी जो टेबल का जो सेंटर है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो माना जाता है कि यहाँ पे आपको खाली रखना चाहिए, लेकिन ये भी माना जाता है कि ये आपको खुद को सिंबलाइज करता है, यानी कि आप खुद की आइडेंटिटी कैसा बनाना चाहते हैं, क्या चीज़ से आपको पावर मिलेगा, क्या चीज़ आपकी मेन है उसको आपको सेंटर में रखना है। जैसे आप लैपटॉप का अक्सर इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाएगा, लेकिन जो बैक साइड जो थोड़ा सा खाली है, थोड़ा सा सुंदर का शोपीस आप रख सकते हैं। अगर आप गणपति बापा को मानते हैं तो छोटी सी एक मूर्ति वहाँ पर रख दें, या छोटा सा एक लाफिंग बुद्धा रख दें, ठीक है, इस तरीके से भी आप वो चीज़ें रख सकते हैं। आपका जो पेन स्टैंड और जो पेंसिल स्टैंड अगर बच्चों का भी है, जो भी स्टेशनरी आइटम्स है वो हमेशा आपको लेफ्ट साइड पे ही रखना है, जहाँ पे आपने बुक्स और ये सब रखी है, प्लांट्स रखे, वहीं पे एक छोटा सा पेन स्टैंड रख देंगे। और अगर आप स्टेशनरी में अगर आप नाइफ़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, कटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैंची का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको उल्टा आपको रखना है। कोशिश करें वैसे तो ड्रॉअर में रखना है, लेकिन फिर भी अगर आपको उसको इस्तेमाल करना है, बाहर आपको बार बार लगता है, तो उसको उल्टा रखेंगे। यहाँ तक कि स्टेपलर का भी इस्तेमाल करते तो स्टेपलर को भी आप उल्टा ही रखेंगे, जो खुला हुआ भाग है वो नीचे की तरफ अंदर चला जाएगा, ठीक है। आप छोटे नोट पैड्स रख सकते हैं लिखने के लिए, तो वो भी आपको लेफ्ट साइड पे ही रखना है। मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी भी आपको ऑफिस में बोनसाई नहीं रखना है और ना ही आपको कैक्टस प्लांट्स रखने हैं। बहुत लोगों को पसंद आते हैं छोटे छोटे जो कैक्टस टाइप के जो ही अलग प्रजातियाँ जो आती है ना उसके वो प्लांट्स रखते हैं, ऐसे नहीं रखना। जिस भी प्लांट में ग्रोथ नहीं होती ना वो आपके ग्रोथ को भी जीवन में रुकावट देगा, तो इस तरह के प्लांट्स आपको कभी भी नहीं रखने, और थॉर्नी प्लांट्स तो बिल्कुल भी नहीं रखने, और बोनसाई में भी ग्रोथ नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा स्लो ग्रोथ होती है। मनी प्लांट भी वैसे तो आपको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर आप मनी प्लांट रखना भी चाहते हैं तो 1 फीट से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 फीट के बाद उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, आपको धागे से या किसी न किसी तरीके से उसको बांधना होता है। अगर वो सपोर्ट मांग रहा है तो आपको भी जीवन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट लगेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और खुद से आप जीवन में ग्रो नहीं कर पाएंगे, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे, तो ये चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है। बस ये छोटी छोटी बातें जिनका आपको ख्याल रखना है। मुझे ज़रूर से बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। मैं हूँ इंदु आहूजा और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।